उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में ग्रस्त लेखपाल की गिरफ्तारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घूस लेने की शिकायत पर अयोध्या से आई एंटी करप्शन टीम ने जमीन की पैमाइश के नाम पर 10,000 रुपए की घूस लेते लेखपाल को गिरफ्तार किया है। सादे कपड़ों में पहुंची पुलिस टीम ने लेखपाल को रंगे हाथों दबोच लिया। सुल्तानपुर के दोस्तपुर थाना क्षेत्र के सौदापुर निवासी संदीप कुमार यादव ने SDM से शिकायत करते हुए कहा था कि गांव में बैनामी की जमीन पर कुछ लोग निर्माण नहीं कराने दे रहे, वहीं लेखपाल भी घूस मांग रहा है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि खड़ा घरा गांव में बैनामी की जमीन की पैमाइश के लेखपाल जितेंद्र वर्मा घूस मांग रहा है। शिकायत करने पर सुनवाई नहीं होने से पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की, जिसके बाद पूरी योजना के तहत आरोपी लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन टीम का एक सिपाही सादे कपड़े में संदीप का भाई बनकर वहां पहुंच गया, जहां पैमाइश होने वाली थी। हेलमेट लगाकर बाइक से पहुंचे लेखपाल को संदीप ने जैसे ही पैसे दिए, तभी सिपाही ने लेखपाल को दबोच लिया। लेखपाल ने सड़क से हटकर खेतों की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन चुंगुल से ये छूट नहीं पाया। इतना ही नहीं, कुछ ही देर में वहां पुलिस की गाड़ी से टीम के अन्य सदस्य भी पहुंच गए और आरोपी लेखपाल को हिरासत में लिया गया। मौके से तत्काल आरोपी को मरहुआ थाने ले जाया गया। वहां एंटी करप्शन टीम की तरफ से लेखपाल के खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया है।